बरगी कैनाल में गिरे एक युवक का कंकाल रूपी शव चरगवां थाना क्षेत्र के भिड़की ग्राम के पास कैनाल के कैचअप पॉइंट पर फंसा हुआ मिला। जानकारी मिलने के बाद चरगवां पुलिस एसडीआरएफ की टीम को लेकर मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद पहले तो शव को बाहर निकाला और फिर मृतक की शनाख्त की गई। चरगवां थाना क्षेत्र के ग्राम भिड़की से निकलने वाली नहर में एक लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लाश नहर के सेंट्रल पॉइंट पर फंसी हुई थी। इस घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद चरगवां पुलिस का अमला एसडीआरएफ की टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचा और फॉरेंसिक साइंस के अधिकारियों की मौजूदगी में एसडीआरएफ की मदद से जब शव को नहर से बाहर निकाला गया तो शव का ऊपरी हिस्सा कंकाल के रूप में बाहर निकला। पुलिस ने शव को जांच के लिए मेडिकल भेजा और जब शनाख्त के प्रयास शुरू किए गए तो शव की शनाख्त भेड़ाघाट थाना क्षेत्र के रहने वाले 30 वर्षीय सुरेश चौधरी के रूप में हुई। सुरेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना बरगी में दर्ज थी। बताया जाता है कि सुरेश अपने भाई के साथ 1 अगस्त को बरगी गया था और रास्ते में कैनाल के पास मेड़ पर अपने भाई के साथ सो गया था। इस दौरान वो नहर में गिर गया था, जिसके बाद उसके भाई ने बरगी थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। ये चरगवां द्वारा बताया गया था कि एक बॉडी जो है उन्हें वहाँ पर पानी में दिख रही है और उसे निकालने का थोड़ा सा इशू था, तो इसीलिए एसटीएफ की टीम को और एफएसएल की टीम को वहाँ तत्काल रवाना किया गया था। काफ़ी शॉर्ट टाइम में वो जो है हम सक्सेसफुली उस लाश को निकाल पाए। उसका सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो ये था कि वो लाश किसकी है, क्योंकि वो लाश काफ़ी पुरानी थी, उसका आइडेंटिफिकेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज था। एफएसएल की मदद से उसे आइडेंटिफाई कर पाए थे। वो बरगी की एक गुमशुदगी जो थी उस पर कायम थी। दोनों भाई जो थे वो रात में जा रहे थे और शराब पीकर मेड़ पर सो गए थे और सुबह उठने पर भाई ने देखा कि उसका दूसरा भाई यहाँ पर नहीं है। इस तरह की गुमशुदगी जो है वो मिली है और क्रॉस करने पर ये एस्टैब्लिश हुआ है कि उस रात को वो जो दूसरा व्यक्ति था वो पानी में बह गया था और उसी की लाश यहाँ पर बरामद हुई है। पुलिस ने सुरेश के शव को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है और मामले में मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी है।